देश ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज घोषित हुए हैं। प्रदेश में 10वीं के रिजल्ट में प्रयागराज के ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र राज सिंह, जिसने 97.33% के साथ चौथी रैंक प्राप्त की है, और शिवेंद्र सिंह को 97.17% के साथ सातवीं रैंक प्राप्त की। यूपी बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा के बाद प्रयागराज के ज्वाला देवी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जश्न का माहौल है। छात्र रिजल्ट से खासे उत्साहित हैं। स्कूल के शिक्षकों द्वारा मेधावी छात्रों को मिठाई खिलाकर फूल माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर सहारा समय संवाददाता छत्रपति शिवाजी ने हाई स्कूल में प्रदेश में चौथे और सातवें स्थान हासिल करने वाले छात्रों से खास बातचीत की है। तो आइए आपको उनकी ये खास बातचीत सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। इलाहाबाद में प्रतिभाशाली छात्र हुए हैं राज सिंह, जो चौथी पोजीशन लिए हैं। ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में आप पढ़ते थे, क्या कहना है, इसके लिए किसको श्रेय दे रहे हैं? इसका मैं पूर्ण श्रेय अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अपने विद्यालय के सभी आचार्य जी, अपने पेरेंट्स और अपने मामा जी को, जिनके साथ मैं रहता हूँ, उन्हें देना चाहूँगा। किस तरह आप पढ़ाई करते थे जो ये इस मुकाम को आपने हासिल किया, और आगे क्या बनना है? मैं सर्वप्रथम विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित रहा वर्ष पर्यंत, और आचार्य जी द्वारा बताए गए सुझावों का पालन किया और प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन ही पूर्ण किया। आगे आप क्या बनना चाहोगे इस उपलब्धि के बाद, और दबाव आप पे आ जाता है? मैं UPSC की परीक्षा क्वालिफाइड करके IAS बनना चाहूँगा। ये UPSC की परीक्षा क्वालिफाइड करके IAS बनना चाहता हूँ। हमारे साथ ज्वाला देवी के एक और छात्र हैं जो UP के 10वीं में 7वीं पोजीशन के। आपका नाम क्या है और इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगे? हमारा नाम शिवेंद्र सिंह है। हम अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने टीचरों को देना चाहेंगे। किस तरह की तैयारी कर रहे थे जो यूपी में आपने 7वां स्थान हासिल किया है? हमारे यहाँ जो टीचर थे वो हम लोग को मॉडल पेपर प्रदान करते थे, जिसका हम स्वयं निरीक्षण करते थे और उसका मूल्यांकन करते थे। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? ये बिल्कुल प्रयागराज ज्वाला देवी के दोनों ही छात्र जो है कहना है कि हमें IAS बनना है। निसंदेह ज्वाला देवी इंटरमीडिएट कॉलेज जो है एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, और यूपी में चौथा और 7वां स्थान यहाँ के बच्चों ने हासिल किया है। सहारा समय के लिए प्रयागराज से छत्रपति शिवाजी। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में 89.78% परीक्षार्थी पास हुए थे, और 2023 की इंटरमीडिएट में 75.52% परीक्षार्थी हुए पास थे। वहीं अगर 2022 की बात करें तो 2022 की हाई स्कूल परीक्षा में 88.18% परीक्षार्थी पास हुए थे, और 2022 की इंटरमीडिएट परीक्षा में 85.33% परीक्षार्थी पास थे। इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक 12 दिनों में आयोजित हुई थी। 2,85,00,000 कॉपियों का मूल्यांकन 16 मार्च से 30 मार्च के बीच कराया गया। यूपी बोर्ड के निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव और यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने रिजल्ट का ऐलान किया। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल का क्या कुछ कहना है। देखिए, कीर्तिमान ये है कि रिकॉर्ड टाइम में इस बार बहुत कम समय में, मतलब 12 कार्य दिवसों में, अब तक के सबसे कम कार्य दिवस में परीक्षा संपन्न कराई गई। 12 कार्य दिवसों में पूरी परीक्षा संपन्न हो गई। 12 दिन में ही मूल्यांकन समाप्त हो गया हमारा, और 19 दिन में हमने रिजल्ट दे दिया। तो 12 दिन में सबसे कम समय में परीक्षा हुई कार्य दिवसों, 12 कार्य दिवसों में, और 12 कार्य दिवसों में जो मूल्यांकन वो भी सबसे कम समय में कराया गया, और जो रिजल्ट का काम है वो भी आज 20 अप्रैल को दिया जा रहा है, और अब तक के जो रिजल्ट निकले हैं सबसे पहले आज रिजल्ट दिया गया। 101 सालों में क्या प्रतिशत रहा है बच्चों का 10th में और 12th में? हाई स्कूल में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 89.55% है। इसमें से बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.05 है, बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.40% है। उसी तरह इंटरमीडिएट में कुल 82.60% रिजल्ट है। इसमें से बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 77.78 है, बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.42% है। जो बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों से 10.60% ज़्यादा है, 64% ज़्यादा। इस पर नकल रोकने के लिए क्या क्या किया गया था जो अपने आप में? देखिए, नकल विहीन परीक्षा कराना संकल्प है बोर्ड का, और नकल विहीन परीक्षाएं बोर्ड करा रहा है, संपन्न करा रहा है। इसके लिए पूरे 8,265 केंद्र थे, 5,265 केंद्रों की निगरानी
एक तो कमांड एंड कंट्रोल रूम हमारे प्रयागराज मुख्यालय में थे, पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों में कमांड कंट्रोल बने हुए थे और लखनऊ में भी कमांड कंट्रोल था। इसके साथ ही हर जनपद में कंट्रोल रूम बनाया गया था, तो हर कमरे की 24 मुझके परीक्षा के समय में उसकी लगातार निगरानी की जा रही थी कि कहीं भी कोई उसमें नकल करने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती थी इस पूरी व्यवस्था में। आगे और किस तरह इस चीज़ को अपडेट करेंगे ताकि इस पर बिल्कुल शून्य हो जाए? नहीं, आज मैं शून्य है कौन कहता ना, मैं तो 200% गारंटी के साथ कहता हूँ कि नहीं, नकल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं नकल हो रही है और उसको शून्य पर ला दिए हम लोग। क्या शुभकामना देंगे जो सफल प्रत्याशी और जो असफल उनके लिए क्या? सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं, जो बच्चे इस उस पर परीक्षा में पास हुए हैं उनको मेरी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामना है कि और उनका भविष्य बहुत बेहतर हो, उज्जवल हो, देश के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें और वो एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देश समाज के लिए काम करें। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस बार कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा सिर्फ 12 दिन में संपन्न हुई जो 101 साल के इतिहास में ऐतिहासिक है। इसी तरह 12 दिन में मूल्यांकन कार्य का भी समापन हुआ जो 101 साल में सबसे कम समय में हुआ है और तीसरा मात्र 19 दिन में रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 101 साल में ये पहली बार हुआ है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समय लाइव। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।